हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटरो। आई होप आप सभी अच्छे और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या हैं जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट कर द पॉजिटिव नोट कि आज उनके दिल के मैसेजेस क्या है। स्पेशली आज है 1-1 पोर्टल, तो उस स्पेशल एनर्जी में और स्पेशली न्यू ईयर के स्टार्ट में इनकी तरफ से क्या शिफ्ट इन एनर्जी है वह है मैसेजेस के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक किया, फिर दिल की बात नहीं कर रहे उस सिचुएशन के लिए हो सकते हैं। इन जनरल भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? बाउंड्रीज, ओके। सो डिवाइन मस्किलन, सो काफ़ी स्ट्रांगली हो सकता है कि आप लोग का कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो या फिर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक यिन एंड यंग की एनर्जी आई है। और जैसे शाम की रीडिंग में फील हुआ कि डेफिनेटली ऐसा है कि मिरर एंजल नंबर एंजल नंबर आपको दिख रहा है, स्पेशली 69 हो सकता है, 1221 हो सकता है एंड 1001 हो सकता है। तो ये एंजल नंबर आपको शायद दिख रहे हैं एंड मिररिंग ऑफ एनर्जी है जहाँ पे ये दूरियां है ना आप लोग को बहुत कुछ सिखा रही है। और इनकी तरफ से मैसेज ये है कि ये दूरियां इनको भी अच्छी नहीं लग रही है। कल तक इन दूरियों का मतलब ये समझ नहीं पाए थे और आपके लिए वो कितना एक स्पेशल फील करता है ये समझ नहीं पाए थे। जब आज एक्चुअली दूरियां फील हो रही है ना, जैसे आपकी एनर्जी ना कनेक्ट होना, अभी ऐसा लग रहा है कि देर इज समथिंग कनेक्शन है अब दोनों के बीच में जो डिफरेंट है, यूनिक है। क्योंकि इतना सब होने के बावजूद भी, यू नो, सिचुएशंस हो, लोग आसपास होने के बावजूद भी इनका जो खालीपन है वो आपसे ही भर रहा है। लाइक ना ये स्टॉकिंग एनर्जी में है आपकी तरफ कि ये स्टॉक कर रहे हैं आपकी तरफ कि आप कहाँ हो, क्या हो और आप किसके साथ हो, हर चीज़ बेचैन कर रही है। आपका नहीं होना और या फिर आपका किसी के साथ होना उनको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहे हैं। दूरियाँ इनको बहुत अच्छी नहीं लग रही है। दे आर फीलिंग स्पेशल कनेक्शन आपके साथ, लाइक ना सोलमेट वाला सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं और यूनियन में आना चाहते हैं। यस, ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के बिना अधूरे हो, स्पेशली ये आपके बिना अधूरे हैं सब फीलिंग आ रहे हैं। एंड देर इज़ अ बहुत ज़्यादा एक फिजिकल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ है। और ये अब ये रेनबो ब्लेसिंग है, आई थिंक सुबह की रीडिंग में भी आया था रेनबो ब्लेसिंग की। डेफिनेटली आपकी तरफ एक यूनिवर्स की तरफ से कुछ इशारे होंगे या यूनिवर्स ही आपको मिलाएगी, ऐसे एनर्जी दिख रही है। ये शायद ऊपर वाले से जाने अनजाने में आपकी तरफ दुआ मांग रहे हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन या तो इनका हो चुका है या तो शुरू हो चुका है। ये बिलीव करते हैं कि आप दोनों के बीच में खूबसूरत रिश्ता है और वो ऐसे ही नहीं टूट सकता। ये कहीं ना इनके पास कुछ ऐसा नॉलेज इन्फॉर्मेशन आ रहा है जहाँ पे इनको एहसास हो रहा है कि ये आपके डिवाइन मस्कुलिन है, मतलब एनर्जी उनकी ट्रांसफॉर्म हो रही है धीरे धीरे से। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉक अवे फ्रॉम यू। इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो किया है ना आपके साथ वो बहुत ही गलत था। जब ये उस एनर्जी को, वो मोमेंट को फील कर पा रहे हैं ना, उस मोमेंट को जहाँ पे उन्होंने आपसे वॉक अवे किया था, आपको छोड़ के गए थे, बहुत तकलीफ हुई उस सीन को, उस सीन को जब देख के, यू नो, एक इमेजिन या एक सीन उनके सामने से गुजरा और वो चीज़ बहुत दर्दनाक थी। हो सकता है ये किसी मूवी देखते वक्त भी उन्होंने वो सीन फील किया हो, बट बहुत ज़्यादा एक उनको दर्द का एहसास हुआ है। आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस, डेफिनेटली मैंने कहा था शाम की रीडिंग में कि इनको सोशल फियर है ज़रूर। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू, ये आपके साथ कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, लाइक ना दूर जाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें। आई स्टॉक यू, मैंने कहा ना इनकी तरफ से स्टॉकिंग एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली, कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, इंतज़ार है आपका। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, ये आपसे जिस तरह से प्यार करते हैं वो नहीं कर सकते किसी और से प्यार, और शायद इन्होंने करके भी देखा हो, लाइक ना ट्राई किया हो, बट इनसे यह नहीं हो पाया। ये आपसे ही और आपसे ही प्यार करते हैं। आई होप आई एम लॉस्ट यू,
कुछ ऐसा ट्रिगर है इनकी तरफ कि जहाँ पे आपकी एनर्जी ना मिलना, या फिर आपको किसी और के साथ देखना उनको बहुत ज़्यादा डरा रहा है, इनसिक्योर कर रहा है। और जैसे कहा है कि आई होप मैंने तुम्हें खून न दिया हो, आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। जिस तरह से वो आपके लिए डिज़ायर फील कर रहे हैं या आपकी इच्छा कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर पा रहे। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। जितना तकलीफ इन्होंने, इनको जब फील हो रही है ना कि आपको इन्होंने कितने दुख दिए हैं, तभी अभी फील होता है कि काश हम मिले नहीं होते, इतनी दुख तकलीफ आपको दी नहीं होती। इट्स स्टिल नॉट ओवर, इनकी तरफ से तो कोई ख़त्म नहीं हुआ। इनको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा सब कुछ ख़त्म नहीं हो सकता। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। लास्ट नाइट अगर कॉल मैसेज नहीं आया तो आप सोचेंगे कि शायद ही आपको भूल चुके हैं, शायद इनके लाइफ में आप मायने नहीं रखते। लेकिन ऐसा है कि लास्ट नाइट ये आप ही के बारे में सोच रहे थे, बस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप मैसेज करें और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मैसेज करें। सो ये बात थी। सो आई डोंट वांट हाइड दिस लव, ये अपना प्यार छुपा नहीं पा रहे। सो मैंने ये भी कहा था कि कितना कोशिश करें ना अपने इमोशंस के सप्रेस करने की, या सोशल फियर या वॉट एवर, लेकिन एक वक्त आ रहा है जहाँ पे भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।